तो दोस्तों, अगर आपके अब भी इन्वर्टर है जो चार्ज नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये जो सामने इन्वर्टर है अभी, ये देखिए लो बैटरी करके दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये चार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी इसको हम पावर ऑफ कर देंगे। आपको क्या करना होगा कि इन्वर्टर के पीछे में आपको जाना है, और चलिए मैं अभी आपको दिखाते हैं करके। तो चलिए इसको पहले हम पीछे कर लेते हैं, इन्वर्टर का बैक साइड में चलेंगे। तो इन्वर्टर की ये बैक साइड है, और यहाँ पे देखिए ये जो है ये फ्यूज है, ठीक है। इसको आपको निकाल लेना है। इसको निकालने के जस्ट इसको आपको इस तरीके से घुमा लेना है, और घुमा घुमा के आपको ये फ्यूज जो है बाहर आ जाएगा। और चलिए अब आपके सामने दिखाते थे, क्योंकि ये मेरा जो चार्जर है अभी इन्वर्टर चार्ज नहीं ले रहा था, तो हम सोचे आपके आपको भी बता दें कि आखिर इसमें दिक्कत क्या थी। तो ये देखिए, जो ये जो फ्यूज है ये जल चुका है, टोटली ख़राब हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस फ्यूज को चेंज कर देना है। तो अभी हम आपके सामने इस फ्यूज को चेंज भी करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं इन्वर्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, ये फ्यूज है, इस फ्यूज को हम अभी बाहर निकाल देंगे इससे। ये देखिए, ये निकल चुका है। अब हम इसके जगह पर नया फ्यूज लगा लेते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं, और हम जो नया फ्यूज है वो इसको यहाँ पर हम अभी इसमें लगाने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारे पास नया फ्यूज भी एक हम मार्केट से लेकर आए थे। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसमें ऐसे अंदर इसको डाल देना है। ये डल गया आपका फ्यूज। अब आपको इसको वापस से इन्वर्टर के जो बैक साइड है उसमें हम जाकर लगा देंगे। तो ये रहा है बैक साइड, अब हम इसमें इसको लगा देते हैं। आपको लगाने के बाद इसको टाइट कर देना है, ठीक है। अभी चूँकि यहाँ पर अंधेरा हो रखा है, क्योंकि ये शाम के समय में हम वीडियो बना रहे हैं और इन्वर्टर चल ही नहीं रहा है, तो लाइट कहाँ से आएगी। तो चलिए, अब ये लग चुका है, अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम इस तरीके से वापस से इसको अच्छा से रख देते हैं सही करके, और ये फ्रंट साइड आपका आ गया, ठीक है। तो अब हम इसमें इसको चेक कर लेते हैं। तो ये रहा स्विच, अब इसको हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर लग चुका है। अब हम MCB सारा गिरा चुके थे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब आप देख सकते हैं, हम सारा MCB आपके सामने यहाँ पर उठा देंगे। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं बंद। अब हमारा प्रोसेस है यहाँ, अभी इस स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, लाइट आ चुका है, ये देख रहे हैं, चारों तरफ रोशनी रोशनी, उजाला ही उजाला है। अब आप ये देखिए, नीचे इन्वर्टर हमारा जो है चार्जिंग वाला, ये लाइट जल चुकी है, देख सकते हैं आप, चार्जिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। आपको हम फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए चार्जिंग की लाइट यहाँ पे ऑन हो चुकी है, और ये इन्वर्टर हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपके पास भी इन्वर्टर का जो भी कोई भी इशू है, तो ये चीज़ आप अजमा के देखें, आपका इन्वर्टर काम करने लग जाएगा। ये था वो ख़राब फ्यूज जो इसके अंदर सड़ गया था, और ये जो है अभी हम नया फ्यूज इसमें लगा चुके हैं। तो आई होप दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।